दिल्ली के पश्चिमी जिले के साइबर सेल ने बड़े इंटरनेशनल फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जो कनाडा के लोगों को टारगेट कर उनसे लाखों रुपए ठगते थे। दरअसल कनाडा के लोगों को सोशल इंश्योरेंस नंबर में गड़बड़ी की बात पर ही उन्हें अपने जाल में फंसाते और उनसे रुपए ठगते। बता दें कि सोशल इंश्योरेंस नंबर वहां सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने का जरिया है। साइबर सेल की टीम ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। शातिर लोग अपना गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज बनाकर कॉल करते थे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो युवक हैं जो इंटरनेशनल फेक कॉल सेंटर में काम करते थे, और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ बैठे तकनीक का इस्तेमाल करके VOIP कॉलिंग करते थे, जिससे वहाँ के लोगों को नंबर कनाडा का लगता था और कहते थे कि आपके सोशल इंश्योरेंस नंबर को ब्लॉक कर दिया है, आपने कोई गलत काम किया है, इसलिए पैसे जमा कराइए तब शुरू होगा। और ये उनसे वॉलेट में बिटकॉइन के जरिए पैसे लेते थे। इनकी जिनसे बात होती तो ये उसे कैनेडियन पुलिस सर्विस से बताते थे, और 19 से 30 साल के लड़के धड़ल्ले से अंग्रेजी में बात करते और क्या बात करनी है बाकायदा इसकी स्क्रिप्ट बनाकर प्रैक्टिस करते थे। काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कॉल सेंटर के कि इलीगल कॉल सेंटर चल रहे हैं, तो हमने हमारे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक कॉल सेंटर चल रहा है मोतीनगर के एरिया में, और वहाँ पे जो है कि वो लोगों को चीटिंग करके उनसे पैसे लेते हैं, बीप करते हैं। तो हमारे हमने अपनी टीम बनाई, रेडिंग टीम बनाई, और हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को इन्फॉर्म किया। उनके साथ हमने रेड किया, टीम ने जब रेड किया तो वहाँ पाया गया कि वहाँ पे कुछ लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, और वो उसके और फिर हमने उनको चेक किया कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें उसमें चेक किया तो पता चला कि वो कैनेडियन लोगों के साथ उनको उनका एक सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, SIN होता है, उसके थ्रू उनको वो उससे पूछते थे कि आपका SIN नंबर ब्लॉक हो गया है, उसमें अगर आपको आगे कुछ आगे इसको ठीक कराना है तो इसमें पैसे लगेंगे। पहले तो वो कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस या पुलिस सर्विस बोल के बोलते थे कि आपके जो SIN नंबर से जो पैसे हैं वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी या किसी इलीगल काम में यूज़ हो गए हैं, तो आपको अगर उसको उन पैसों को चेक कराइए। वो जब कंप्लेनेंट बोलता था कि भाई मेरे पैसे, मैंने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया, उसके बाद वो बोलते थे कि अगर आपको उन पैसों को बचाना है तो आप उन पैसों को बचाने के लिए आप एक सेफ गार्ड करने के लिए इस एक वॉलेट में डाल दीजिए, जिससे कि आपके पैसे अदरवाइज गवर्नमेंट नहीं लेगी क्योंकि आपके यूज़ हो गए हैं। तो वो इस डर के मारे, एक डर के मारे वो अपने पैसे, फियर के मारे अपने पैसे एक वॉलेट में डाल देता था। वो बिटकॉइन का एक एड्रेस सेंड करते थे, उस बिटकॉइन के उसमें बिटकॉइन में चेंज होते थे बिटकॉइन वॉलेट में, तो उसके थ्रू इनके पास पैसे आते थे। ये इनका MO था, और जिससे इसमें जो मेन लोग हैं इसमें, हमें तीन मैनेजर मिले वहाँ पर जो कि उसको सुपरवाइज कर रहे थे, और 32 लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है। इसमें जो मेन अक्यूज अभी भी थोड़े भागे हुए हैं, जिसको हम अभी अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और इन्होंने ये रेंट पे लिया हुआ। पुलिस के अनुसार उन्होंने अपने टेलीफोन एक्सचेंज अवैध रूप से चला रखे थे, जिसके लिए बाकायदा भारत के टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ना सिर्फ इजाजत लेनी होती है बल्कि पैसे भी जमा कराने होते हैं। ऐसे में इन्होंने विभाग को भी लगभग 300 से 400 करोड़ का चूना लगाया है। साइबर सेल को कैनेडियन व्यक्ति की तरफ से शिकायत मिली थी, जिसके बाद साइबर सेल की टीम ने इंस्पेक्टर अरुण चौहान के नेतृत्व में टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ रेड कर रंगे हाथ 32 लोगों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक इनके ऑफिस से साइबर सेल की टीम ने 55 कंप्यूटर, 3 इंटरनेट रूटर, 35 फोन, टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के साथ और भी सामान जब्त किया है। संजय शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।